हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एडवेंचर इन कुकिंग। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, पनीर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक मिर्च लिया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने मटर लिया है जो फ्रोज़न मटर है, तो 1/2 कप मैंने मटर लिया है। 1 टीस्पून मैंने किचन किंग मसाला लिया है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया, जीरा सॉरी साबुत जीरा लिया है, जिसे आपके पास अगर पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया है, और काले मिर्च पाउडर लिया है, 1 प्याज, 2 टमाटर, कसूरी मेथी, अदरक आप देख सकते हो, और आप चाहो तो इसे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। और लहसुन लिया है मैंने 4 से 5 कली, और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है 1 टेबल स्पून मैंने, काजू 1 टेबल स्पून, बादाम लिया है, और 1 मैंने तेज़पत्ता लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल आपको तेल डालना है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून तेल डालना है। और जैसे ही तेल बिल्कुल हल्का गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, नहीं तो मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे और फ्राई भी नहीं होंगे। तो जैसे ही हल्का बिल्कुल गर्म हो तो हम जीरा और तेज़पत्ता डाल देंगे, और जीरा को हमें 1 मिनट ही पकाना है, उसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, नहीं तो हमारे मसाले अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और जलने लगेंगे। और हम इसमें जो हमने प्याज लिया था, मिर्च लिया था, अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका मसाला बनाने वाले हैं, अभी इसे पीसने वाले हैं। तो अब हम इसमें बादाम डाल देंगे और काजू डाल देंगे, और इसे फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा सा बादाम जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अभी हमें टमाटर नहीं डालना है, नहीं तो ये जो हमारे काजू है बादाम है ये फ्राई नहीं होंगे और फिर मसाले में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैंने थोड़ा सा, जैसे ही बादाम फ्राई हो चुका था, मैंने टमाटर कट कट के डाल दिए हैं, और यहाँ पे लाल शिमला मिर्च जो था, गोटा शिमला मिर्च, उसे मैंने डाल दिया। अगर आपके पास पिसी हुई लाल मिर्च हो, कश्मीरी लाल मिर्च हो, तो आप उसे यूज़ करें। तो ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो गया जितना हमें चाहिए, बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, इतना ही हमें फ्राई करना है, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसे मैंने पीसने के लिए डाल दिया। जैसे ही वो ठंडा हो गया, तो इसी सेम पैन में मैंने 1 टेबल स्पून मैंने तेल लिया था, और 1/2 इंच बिल्कुल बटर लिया, आप चाहे तो बटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरीके से प्याज को थोड़ा सा मैंने कट करके थोड़ी देर तक फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा देखिए ट्रांसपेरेंट होने तक मैंने इसे फ्राई किया। उसे निकाल लेंगे, और इसी सेम पैन में मैंने हल्दी डाल दिया है, तेज़पत्ता और कसूरी मेथी डाल दिया है। बिल्कुल इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर कसूरी मेथी को पहले डाल दें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया, फ्लेम बिल्कुल ही लो रखा है, आप देख सकते हो, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे। और ये जो मैंने मसाले पीसे थे, जो फ्राई करके रखे थे, मैंने आपको दिखाया था, वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका अभी। तो ये जो पानी थे जार में, मैंने उससे सारे पानी डाल दिया है इसमें, किचन में कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। इसे ढक दिया है मैंने, और थोड़ी देर तक पकाएंगे, क्योंकि ऐसे तो मसाले ये पके हुए हैं, पर फिर भी थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। और जो मटर थे वो हम इसमें डाल देंगे, और पनीर भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये लगभग होने को ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और प्याज डाल दिया मैंने इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, गरम मसाला मैंने थोड़ा सा रखा है बाद के लिए जब हम इसे गार्निश करेंगे। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने यहाँ पे, और इसे ढक देंगे। और ये देखिए आप देख रहे हो साइड साइड में तेल आ गया, मतलब ये पक चुका है बहुत अच्छे से। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, फ्लेम ऑफ करने के बाद हम बचे हुए गरम मसाला इसमें डाल देंगे, और ये काली मिर्च पाउडर है, बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें 1 पिंच काली मिर्च पाउडर डालेंगे,
और थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर देंगे और इसे मिला देंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसे ढक देंगे और फिर अब इसे सर्व करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये अच्छी सी टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।